अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोना रीड द फर्स्ट पोम ऑफ योर बुक ऑन पेज नंबर 1, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। दिस पोम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। ये पोम लिखा है लुइस आई न्यूमैन ने, हु वॉज बॉर्न इन 1893, जो 1893 में पैदा हुए एंड डाइड इन 1972 और 1972 में जिनकी डेथ हुई। He was born in Providence, Rhode Island, USA. वो United States of America के एक जज़ीरे जिसका नाम Providence, Rhode Island है, वहाँ पैदा हुए। He studied at Brown University. उन्होंने Brown University से अपनी तालीम हासिल की and after his doctorate, अपने doctorate की degree complete करने के बाद lectured at Columbia University में lecturer रहे। He is the author of many books. Author means writer, musannif. He is the author of many books on religious subjects. वो बहुत सारी ऐसी किताबों के मुसन्निफ हैं जिनका मौजू मज़हब पर है। This poem brings out his religious bent of mind. Bent of mind means interest or tendency, मतलब रुझान या दिलचस्पी। ये poem हमें बताती है उनके मजहबी रुझान के बारे में। Okay. This is a short poem consisted on 4 lines. ये एक छोटी सी नज़म है जो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन पर कंसिस्ट है और 1 stanza या सिर्फ 1 stanza पर। So let's start the poem. I sought to hear the voice of God. Sought is the second or third form of seek. Seek means जस्तुजु करना, तलाश करना। I sought to hear the voice of God. मैंने जस्तजू की, तलाश करने की कोशिश की। To hear the voice of God, खुदा की आवाज़ सुनने की। And climbed the topmost steeple. A steeple means the tallest part of a religious building. किसी भी religious building का जो सबसे ऊंचा part होता है, जो सबसे ऊंची मीनार होती है, उसे हम कहते हैं steeple. And climbed the topmost steeple, और सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गया। But God declared, लेकिन खुदा ने ऐलान किया या वाजा किया, गो डाउन अगेन, वापस नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। ड्वेल मीन्स लिव। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। दैट्स इट। सो द मैसेज ऑफ दिस पोम इज़ दैट गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इस नज़म का जो पैगाम है, इस नज़म का जो मैसेज है, वो ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ही इज़ ऑल सीइंग एंड ऑल हियरिंग, वो सब देख रहा है और सब सुन रहा है। एंड वी डोंट नीड टू क्लाइम एनी स्टेपल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, और हमें अल्लाह ताला की आवाज़ सुनने के लिए किसी भी स्टेपल पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बिकॉज ही ड्वेल्स अमंग द पीपल, क्योंकि वो लोगों के दरमियान रहता है। And the best way to please God is to serve His fellow beings. और अल्लाह ताला की खुशनदी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसके बंदों की मदद करें, उसके बंदों की खिदमत करें। That's all for now. Thank you.